बोनो के राजा जी, हम वेताल नहीं हैं। वेताल के भेस में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा कॉर्के न्यूटन, और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी, और ये मेरी इकलौती बेटी आइंस्टीन कामाक्षी। बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोमरस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस है वो लोग। हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मच्छकोटे? नहीं, मच्छकूड़न। हाँ हाँ, वही मच्छकूड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और काट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा, मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊँगी। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। यस आज्ञा महाराज। बीटा, यही है उस बुजुर्ग मच्छकुडन का घर। सरकार, सरकार, सरकार। अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार, मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ। इनका नाम मगधीरा है, ये मुसीबत में है। आप अगर मदद। मगधीरा, सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। लिखो, जल्दी लिखो। यमन बिस्तर पर किला हमारा, किला हमारा। डराने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा देके बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छुपेगा छड़ी तोड़ो। सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद होगी, जीत होगी, क्या होने वाला? सरकार, दरवाजा बंद कर दिया है। इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ही ना खोलता। दो रंगी बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है, बुद्धिशाली कम बोलता है
तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता। हाथ हटाओ। कम बोल सकते हैं लेकिन इस पागल जैसे इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन में। उसके गंदे सर पर थूक भी नहीं दिख रहा है। फिसल कर मुंह पर आ रहा है। बकबक करके चुपका लिया ना। भैया अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है। मुझे आप पर गर्व है। कैसे पार करेंगे? चिंता की बात तो है भाई, इसे पूरा बना के जाने में कितने साल लग जाएंगे? एक विचार आया है, सूरा हमें उड़ा के ले जाए तो कैसा रहेगा? हमें तो उड़ा के ले जाएगा लेकिन इन्हें कैसे ले जाएगा? नीचे गिर गए तो अंतिम क्रिया करने के लिए हड्डी भी नहीं बचेगी। ऐसे डराने के लिए तुम हमारे साथ हो ना? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा, पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। को चक्कर लगाते देख हमें भी चक्कर आ रहा है। हैं? अगर मेरी सोच सही है तो इस बड़े से पत्थर को ले जाके उस गड्ढे में डालना है। तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है, उठाओ। ऐसी शाबाश शाबाश। मगधीरा पहले इसे उठाओ, इसके द्वारा हमें रास्ता पता चलेगा। कामा तुम पुस्तक निकालो। हाँ, देखो देखो देखो। अरे ये देखो इसमें लिखा है इसकी पीपी बना के फूकेंगे तो हवा निकलेगी। तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखो पीपी बना के फूकने से खरा मेंढक आएगा और हमें रास्ता दिखाएगा। ये क्या भाई, मनुष्य ही रास्ता दिखाता है या मेंढक भी रास्ता दिखाएगा? क्या ये रास्ता मनुष्य दिखाए या मेंढक, क्या फर्क पड़ता है? और जोर से फूको ना भाई। वो देखो हरे रंग का मेंढक। हरा मेंढक पीपी बजाते ही आ गया। ये तो हमें घूर रहा है। अरे हाथ को तो बाप रे। अरे भाई मगधीरा बिना शर्माए उस मेंढक से रास्ता तुम पूछो भाई। वेताल किले तक हमें कैसे जाना होगा? ए मगधीरा उसे डरा के भगा मत देना। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक हरे मुंह वाला मेंढक आएगा और अगर कोई ऐसा आदमी जो ब्रह्मचारी हो और एक पत्नी व्रता भी हो और अगर वो उस मेंढक की पीठ को अपनी जीभ से चाट कर उससे रास्ता पूछेगा तो वो मेंढक उसको रास्ता बताएगा। अरे बाप रे, ये क्या सब लोग मेरी तरफ ही घूर रहे हैं?
तारक मंगल से मजा करने का समय आया और ये लोग मुझे इस मेंढक को चाटने के लिए बोल रहे हैं। अब इतना भी मत सोचो, चाटो। क्या है? चाटो भाई। अरे जल्दी चाटो ना। अब चुप कर। ये कोई मंदिर में मिलने वाला पंचामृत है कि जिसे झट से चाट जाऊं? सांप खाने वाला मेंढक है ये। सांप को गुस्सा नहीं आएगा भाई। देर ना करो, जल्दी चाटो। अरे चाटो भाई चाटो। तारक किला कहाँ है? ये तो इस तरफ दिखा रहा है। अच्छा, इस दिशा में है क्या? अरे मैंने कहा कमाल कर दिया।